गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को इस कुर्ती की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करी थी और काफी सारे लोग बोल रहे थे कि मैं इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये है हमारा बैक पार्ट। तो सबसे पहले कुर्ती में आपको नेक बनाना होता है, तो इसके लिए हमें अपना नेक की यानी कि गले की कटिंग करनी होगी बुकरम पर। देखिए, नेक की कटिंग हमने कर ली है और इसको हमने कपड़े पे भी लगा लिया है। फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों नेक्स की हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम अपने कुर्ती पर लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना फ्रंट वाला नेक बना रहे हैं। कुर्ती को आप इस तरीके से खोल लीजिए और कुर्ती का जो सीधा वाला साइड होता है उस तरफ आपको नेक को लगाना होता है। तो इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके मिड पार्ट पर इस तरीके से एक छोटा कट लगा देंगे और ऐसा ही कट हमने अपने नेक पर भी लगाया हुआ है। अब देखिए, इसके बिल्कुल सेंटर में पहले तो आपको एक सिलाई लगानी है। इसको बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिला लीजिए, यानी कि जो हमारे कट हैं वो कट टू कट मिले होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर में, जिससे कि जब हम अपनी नेक की बुकरम के साथ सिलाई लगाएं तो हमारा जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में रहे, इधर उधर हमारा नेक ना हो। ये सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर आपको सिलाई लगानी है और ये सिलाई आपको बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल साथ साथ में जो हमारी शेप है नेक की उसी में आपको इसे सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। अब देखिए, जो भी अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े की हम कटिंग कर देंगे और कपड़ा आपको देखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है, एक पैर का मार्जिन रखना है कपड़े में। अब देखें, यहाँ पर हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और कट आपके इतने ही हो कि आपने जो भी सिलाई लगाई है वो आपकी कट नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम उल्टी साइड की तरफ पलट देंगे पूरे बुकरम को इस तरीके से और यहाँ पर बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले हम अपना बैक नेक बनाएंगे, उसके बाद में हम ये वाले स्टेप को करेंगे। तो देखिए, हमने अपने दोनों फ्रंट एंड बैक नेक इसी सेम तरीके से बना लिया है। इसके बाद में अब हम अपने कंधे की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम कंधे की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में हम अपने नेक को अंदर की तरफ पलटेंगे। तो पहले दोनों सीधे साइड्स ऊपर की तरफ रहेंगे, यानी कि दोनों उल्टे साइड हमारे अंदर की तरफ हैं। तो उल्टा करके ही आपको इसे इस तरीके से सिलाई लगानी है, मतलब जो सीधे साइड हैं अभी ऊपर की तरफ हैं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही ध्यान से आपको कैसे सिलाई लगानी है। सिलाई हम केवल और केवल अपने नेक वाले पार्ट से पहले तक लगाएंगे अपना कंधा सिलने के लिए। इस तरीके से जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपका जो नेक है, जो आपका कंधा है, वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। दोनों साइड्स पर हमने ऐसे सिलाई लगा ली है, अब इसको उल्टा कर लीजिए। अब हमें उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है और अब आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। और सिलाई देखें आपको, अब आपके जो अपने बुकरम वाला पार्ट छोड़ दिया था उसको भी साथ में दबा लेना है और साथ में आपको सिलाई लगानी है। दोनों नेक पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से कंधे स्टिच करने के बाद बहुत ही फिनिशिंग से आपके कंधे आ जाएंगे। अब जो भी मार्जिन वाला पार्ट है वो आपको पीछे वाले साइड की तरफ रखना है, अपने बैक वाले नेक की तरफ रखना है और पूरे कपड़े को, पूरे बुकरम को अंदर वाली साइड की तरफ पलट देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम बड़े टाके की सिलाई लगाकर अपने फ्रंट एंड बैक नेक अच्छे से बिठा लेंगे। ध्यान रखिए कि बिल्कुल खींच के आपको कपड़े को यहाँ पर सिलाई लगानी है, उसी से आपके नेक में फिनिशिंग आएगी। तो देखिए, जो हमारा नेक है वो बनकर रेडी हो गया है एंड बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा गला फ्रंट एंड बैक पार्ट से आ गया है। अब आपको कंधे इस तरीके से पकड़ने हैं और सारे जो कट्स वाले पार्ट हैं वो बिल्कुल इस तरीके से मिला लीजिए और बिल्कुल अच्छे से आपको इसे बिछा लेना है। अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो एक साइड पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा हुआ है, दूसरी वाली साइड पर भी इंची टेप से नाप करके आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। और अब इन निशानों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। निशान पर सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, सुई अंदर की तरफ ही रखेंगे, अब कपड़े को इस तरीके से घुमा लेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए दोबारा से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई से क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर आपकी जो कुर्ती है वो टाइट भी हो जाती है तो आपको बिना सिलाई लगाए यहाँ पर इसको आप
खोलकर अपने नाप का कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और आसान तरीके से हो जाता है। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड की तरफ भी निशान जो लगे हुए हैं उन पर सिलाई लगानी है। उसके बाद में एक पैर का मार्जिन लेते हुए दोबारा से सिलाई लगानी है। साइड की फिटिंग करने के बाद अब हमें साइड्स के चाक फोल्ड करने हैं और नीचे से ये इसको भी फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और अगर आपको इन डिटेल देखना है तो इसकी अलग से वीडियो शेयर की हुई है, बट इस वीडियो में भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि इसे कैसे फोल्ड करना है। सबसे पहले थोड़ा सा कपड़ा आप अंदर की तरफ फोल्ड करें, उसके बाद में इसको जो हम ये वाला सिलाई लगाते हैं ये हम पूरा बड़े टाके से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करके इस सिलाई को हटाना होता है। तो पहले थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद में चौड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि तुरपाई वाला हमें बनाना होता है। तो ऐसे ही हम अपने फ्रंट एंड बैक दोनों पहले लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे, उसके बाद में इसको चाक से फोल्ड करेंगे साइड से। तो साइड से भी साइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम पतला फोल्ड करते हैं, नीचे वाला पार्ट ऐसे फोल्ड करते हैं ज़्यादा मोड़ते हुए। उसके बाद में देखिए चाक फोल्ड कर लिए हम, दोनों साइड्स की चाक एक साथ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और ये बिल्कुल बराबर बैठना चाहिए आपका, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो देखिए हमने अपनी चाक को भी बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हमें अपनी बाजुओं को अटैच करना है। तो बाजू देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्टिच कर ली है, इसके नीचे मोहरी वगैरह मोड़ ली है, उसके बाद में हमने इसको साइड से फिटिंग भी कर लिया है। अब इसको हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसके साथ आपको देखें जोड़ देना है आर्म होल वाली साइड से। लगा ली है, अब ये एक स्ट्रेट पट्टी बना ली है हमने अपने टिच बटन लगाने के लिए। तो इसको इस तरीके से बीच में से आप कट कर लीजिए, तो ये हमारे दोनों साइड्स के लिए हो जाएगी। ये बिल्कुल सीधा कपड़ा ही फोल्ड करके आपको इसकी सिलाई लगानी होती है। अब देखिए जो हमारे बाजू वाला पार्ट है जहाँ से हमने सिलाई लगाया था और जहाँ से हमारा कंधा होता है, जहाँ पर कंधा होता है वहाँ वाले पार्ट पर आपको इसे इस तरीके से लगाना होता है, और जो सिलाई है उसके इस साइड की तरफ ही लगाना है। तो सिलाई के इस साइड की तरफ ही आप रखेंगे इसे। अब यहाँ पर हम पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कितना इजीली लग गया ये हमारा। अब जब हम इस पे टिच बटन लगाएंगे तो इसको इस तरीके से एक बार और ये दो बार फोल्ड करके देन यहाँ पर टिच बटन लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे भी एक सिलाई लगा सकते हैं। और ये हमारा ऐसे आ जाएगा, पिच बटन इसके ऊपर आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरीके से आपको लगाना होता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी कटिंग आपको पार्ट वन में देखने के लिए मिलेगी, जो कि मैंने इससे इस वीडियो से पहले शेयर किया हुआ है। जो जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करी हैं उन सभी के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बहुत ही ईजिली देखिए हमारा जो कुर्ती है वो बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो गई है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें।